हे माय क्यूट बेबी हर्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ फिर से शेयर करने जा रही हूँ गेट अनरेडी विद मी, क्योंकि मैंने बैक टू बैक जब मेकअप करे थे ना, तो मैंने अनरेडी वीडियो भी शूट करे हुए थे, बीच में भूल गई थी और मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा अभी भर गया था ना, मुझे लगा चलो इतनी मेहनत करके जब वीडियो शूट करी है तो आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेयर टाई कर लिए थे, क्योंकि मुझे ना हेयर आगे आते हुए फेस से बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने हेयर अच्छे से टाई कर लिए थे। उसके बाद ज्वेलरी वगैरह उतार ली थी। अब मैं अपना आई मेकअप उतार रही हूँ। ये माइसलर वाटर मेरा फेवरेट माइसलर वाटर है, इससे आईज में बिल्कुल इरिटेशन नहीं होती है, आई मेकअप अच्छे से रिमूव कर देता है, फुल फेस का मेकअप ना बहुत अच्छे से रिमूव करता है। कल की आपने वीडियो में देखा होगा, वो माइसलर वाटर मेरी स्किन में, मतलब आईज़ में स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन कर गया था, बट ये माइसलर वाटर मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अच्छे से पूरा नेक वगैरह का मेकअप अपना रिमूव कर लिया। मैं मशीन की तरह इसलिए लगातार बोल रही हूँ क्योंकि हमारे बगल में रामायण हो रहा है, तो मुझे लगा यार वॉइस में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है सुनने में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और ये रामायण वगैरह आसपास हो जाते हैं ना, बड़ा अच्छा सा माहौल हो जाता है यार, बड़ा मतलब इन्वायरमेंट ना चेंज आ जाता है। तो चलिए बैक टू अपना वीडियो। तो फेस वॉश मैंने कर लिया था मतलब अभी, और इसके बाद फेस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन हो गया था। वैसे तो माइसलर वाटर के बाद भी क्लीन हो गया था फेस, बट डबल क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मेकअप इतनी मेहनत से करा है तो स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है यार। तो मैंने फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद ये मॉइस्चराइजर लगा लिया। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अच्छी सी मसाज देंगे फेस को। मैं पूरी लंबी लंबी क्लिप नहीं डाल सकती यार, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ। इसके बाद मैंने लिप बाम लगा लिया था। बस ये रहा मेरा हेल्दी हेल्दी स्किन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और मैंने एक और चैनल ओपन करा है यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेकआउट जरूर करना। बाय, लव यू।